हेलो हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बताइए जी। जनाब कौन। अफसोस आप बोल रहे हैं जी कौन जी। मैं साहिल रजवी बोल रहा था, बात करना थी आपसे, वक्त है क्या? बोल रहा है। साहिल रजवी बोल रहा हूँ। अबे एक मिनट रुक जा, पैर तो हटा लूँ अपना। हेलो ठीक है लेटो लेटो आराम से। भैया पीछे पैर देख के बेटा, तुम तो मैं इधर नवाब बने जा रहे। अफू भाई हाँ हेलो। जी, वक्त है, मैं साहिल रजवी बोल रहा था इनसे। हाँ बोलिए साहिल भाई, बताइए। वक्त ही वक्त है, बोलिए। जी मैं ये कह रहा था आपसे कि क्या इस्माइल धुलवी साहब आपके नजदीक मोमिन है या काफिर? था इस्माइल धुलवी साहब हाँ मोमिन है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक इबारत पढ़ा था मैं इनकी तकवतुल ईमान में, अगर आपकी नजर से गुजरी हो तो। नहीं तो मैं इबारत पढ़ूँ आप अदर वक्त में। कौन सी कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मर की मिट्टी में मिल गए। जी हाँ हाँ तो ये इबारत मेरे भाई उसमें इस तरीके से नहीं लिखी हुई थी ना, नहीं वो तो जैसे लिखी है मैं हूबहू तो अगर आप मेरे भाई पढ़ेंगे तो उसका जवाब देंगे। सुनिए, ये इबारत लिखी जैसे ऊपर के हदीस तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अबू दाऊद शरीफ का हवाला दे रखा है इन्होंने और हदीसें भी थे अबू दाऊद शरीफ में, लेकिन ये जो बात के जुमले इन्होंने लिखे हैं, ये जो बाद में जो फरमाया है कि फिर मुझे भी सजदा ना कर, यानी एक ना एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो कब सजदे के लायक हूँ? सजदा तो उस पाक ये जात को उनसे है जो कभी जो ना मर। अल्फाजों का जो मतलब जो वो चून होता है, चयन होता है, तो अल्फाजों को चूज करने में उनसे मिस्टेक हो गई है। जी हालांकि उनका अकीदा मेरे भाई एकदम सेम था कि नहीं, अम्बिया वो अलैहिस्सलाम की जो अगर बॉडी सेम है है ना। उनपे जो जी कब्र की मिट्टी है वो बिल्कुल मतलब ये हराम हो चुकी है। अम्बिया नहीं तो अलैहिस्सलाम को ये कोई मिट्टी ना तो खा सकती है, ना सड़ा सकती है, ना दबा सकती है। नहीं तो वो तो बात ही नहीं करी ना मैंने अभी आपसे। आप तो उधर जा रहे हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब थोड़ी ना आइए। मैं ये हाँ तो उसका पूछता जवाब दे तो हूँ दिया, कि ये किसी से अगर नहीं चूक हो नहीं जाती है तो वो काफिर। देखिए काफिर होने की अलग कंडीशन होती है। अगर नहीं नहीं ये इस क्लियर तरीके की हरकतें से अगर आप मेरे पे काफिर साबित करेंगे तो जो आला हजरत हैं वो तो सबसे पहले काफिर हो जाएंगे। तो अरे यार जनाब देखो, आप मेरे को तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलिए ना प्यारे आप भाई। मान नहीं रहे हैं, आप तो अपने मर्जी से जवाब दे रहे हैं। मेरा वो इतराज थोड़ी है जो आप बोल रहे हैं। मैं ये पूछ तो रहा मैंने हूँ आपसे कि इतने पूछा था लफाजों ना में, तो आपने नहीं तो कहा मैं यही ये कह रहा, इबारत है। सुनिए, मैंने तो अभी यही नहीं बोला आपसे कि नबी जिंदा है कि मुर्दा, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस्माइल देलवी का अकीदा है या नहीं, ये मैंने ये थोड़ी ना पूछा। मैं ये नहीं तो पूछ रहा इसीलिए हूँ तो कि पहले क्या हमने ये बता जो, दिया ना ताकि कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। चलिए ठीक है सुनिए, ये जो इन्होंने बात के जो जुमले इन्होंने लिखे हैं, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, है ना? तो ये क्या या तो यानी थोड़ा, ये यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ये जो इन्होंने आगे जुमले लिखे हैं भाई इस्माइल देलवी अरे वो साहब तो ने। आप अरे भी मर के मिट्टी में आने वाले हैं, हम भी मर के तो मिट्टी मेरी में आने बात तो वाले हैं। सुनिए, अरे वो तो सभी को मिलना है एक ना एक दिन मिट्टी से, लेकिन सुनिए मेरी बात। ये जो इन्होंने लिखे हैं नीचे जुमले जुमले, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ये या से मुराद कौन है? नबी? क्या तो ये जो इन्होंने लिखा है यानी मैं भी एक दिन मरकर पूरी मिट्टी में इबारत मिलने पढ़िए वाला ना हूँ, भाई। सुनिए पूरी इबारत पढ़ूं कि हदीस भी पढ़ूं मैं, वो जो इन्होंने नकल करी है? हाँ पढ़िए ना तभी तो आपके समझ में आएगा। सुनिए, केस बिन साद का बयान है कि मैं शहरे हीरा गया, मैंने वहां के लोगों को देखा अपने राजा को सजदा करते हैं, इनमें ये ख्याल आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने के ज्यादा लायक है। सुनिए हाँ तो अल्लाह के नबी के पास वो आते हैं, वो तो अल्लाह के नबी को सुनिए भी ना, करते हैं सजदा, तो सुनिए और ना, मैं अल्लाह यही के कह रहा नबी हूँ आपसे, कहते मेरे हैं को कि इबारत ऐसा मत पूरी करने करो। दीजिए। नहीं, इबारत पूरी पढ़ने दीजिए फिर आप सजदा बोलिए। का जायज होता तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने जो आदमी है नहीं इसमें उनको कभी कोई सजदा नियम नहीं है। करें। अब इसके आगे बताइए। सुनिए, मैंने देखा वहाँ लोगों को कि वो अपने राजा को सजदा करते हैं, मेरे दिल में आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज्यादा हकदार है, चुनांचे मैंने आपके पास आकर कहा, मैंने हीरा शहर लोगों को देखा कि वो अपने राजा को सजदा करते हैं, आप उस बात के ज्यादा हकदार हैं। हेलो, अरे हाँ सुन रहा हूँ ना भाई, बोलिए। हाँ, आप उस बात के ज्यादा हकदार हैं, आपको सजदा करें। फरमाया, भला बताओ यहाँ के अगर तू मेरी कब्र पर से गुजरे तो क्या तू उसे सजदा करेगा? मैंने कहा नहीं, तो फरमाया तो ऐसा ख्याल मत करो। ठीक है, अब ये जो बाद में लिखा, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो फिर कब सजदे के लायक हूँ? सजदा तो उस पाक जात को है जो कभी ना मरे। तो ये जुमले तो मुझे हदीस में मिले ही नहीं, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला तो हूँ, ये तो यही तो जुमले कह रहा हूँ, अबू दाऊद ये जो शरीफ में उन्होंने है ही भाई इसका माना बताया है, मफहूम किया है, उसमें नहीं जो सर। अल्फाज होते हैं उसको चूज करने में उनसे चूक हो गई है।
नहीं तो ये नदी के जुमले नहीं है ना, और नदी के हदीस है कि जिसने मेरी तरफ झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो ये झूठ का माना ये नहीं है ना, उनका माना ये था कि अल्लाह के नबी का, नबी ने कहाँ फरमाया कि। फिर आप मेरे भाई देखिए, अगर कायदे से बात करना है, सुनना है सामने वाले की, तो बात किया कीजिए। अगर अपनी अक्ल लगाना है तो ऐसे दो दो मिनट में मैं जो आपके आला हजरत है ना अभी उनको नंगा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई को नंगा नहीं करना है। मेरे को दीन मतलब भाई वो समझना है, समझाना है, तो अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। और फर्जी की बात करना है तो अभी भाई फिर हम अलग अंदाज में भी बात करना स्टार्ट करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं चुप हूँ। वो ये कहना चाह रहे थे कि अल्लाह के जो भाई वो नबी हैं, आपका भी इंतकाल होना है, आपको भी मौत आनी है, ये वो कहना चाह रहे थे। लेकिन जो अल्फाजों का चूज था वो उन्होंने जिन अल्फाजों को मतलब भाई अपना उतार दिया, तो वो उन अल्फाजों को अहले सुन्नत उसको ठीक ही नहीं मानते हैं। तो सबने कहा है कि उनसे इस अल्फाज में भाई चूक हो गई है। उनका अकीदा था कि अल्लाह के नबी का इंतकाल होना है, ठीक है, ये वो समझाना चाह रहे थे। वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि अल्लाह के नबी तो एकदम मतलब वो माजअल्लाह मरकर मिट्टी में भाई वो मिल जाएंगे। उनका ये था कि हाँ भाई उनको भी मौत आनी है, तो जिस इंसान को मौत आनी है, मरना है, हम उसको सजदा काहे के लिए करें। तो ये उनका माना था। अल्फाजों में भाई वो चूज करने में उनसे चूक हो गई, और आलिमों से अगर चूक होती है तो भी उनको एक नेकी मिलती है, आप समझ रहे हैं। तो वो काफिर तो हो ही नहीं सकते। अब वो काफिर कैसे हो गए आप बता दीजिए, मौका दे मुझे। हाँ, काफिर होने की मतलब भाई वो क्या क्या कंडीशन है आप हमको बता दीजिए। बोलू मैं? हाँ बोलिए ना जी। जैसे आपने जो मुझे इस तरीके से समझाया, तो ये बात क्या आपसे आके इस्माइल देलवी साहब ने बोली वो आप में ठीक। ये जिस तरीके से आपने समझाया, दिफा करा इस इबारत का, ये दिफा क्या इस्माइल देलवी साहब ने किया? हाँ, और भी किताबें हैं ना उनकी मेरे भाई, इकलौती थोड़ी ना किताबें हैं जी। हाँ, कहाँ करा उन्होंने दिफा बताइए? उसी किताब में करा है। किस किस जगह करा, इबारत बताइए, सफर उसी के आगे आप पढ़िए। क्या पढ़िए आगे? आप पढ़िए ना, आपके सामने है ना किताब मौजूद है ना, आप पढ़ लेना। पढ़िए क्या लिखा है, इसी के जस्ट आगे है। जी मेरा मकसद ये, सुनिए क्या है आगे इबारत, आप बताइए ना अभी खुद आप भाई। इंशाल्लाह अभी आपके मुंह से इंशाल्लाह उगलवाएंगे कि आप जो साबित करना चाह रहे हैं ये उनका माना ही नहीं था, उनका माना कुछ और था। नहीं नहीं, तो उनके मुझे जुमले बताइए, आप इबारत पढ़िए उधर। अरे आप पढ़िए ना मेरे भाई, खोल के आप बैठे हैं, पढ़े हम, ये क्या मेरे भाई बात होती है। आपने जो अभी एक जुमला बोला मुझसे कि आलिम से गलती होती है तो एक नेकी दी जाती है ना। हाँ, तो आप तो अभी तक कहते थे कि तकलीफ सिर के चारों इमाम हस्ते के से एक, तो इसमें तकलीफ कहाँ से आ गई भाई? सुनी, हाँ तो बात तो सुनी मेरी। नहीं नहीं, कहाँ से तकलीफ आई पहले हमको ये बताइए, आपने जो ये तकलीफ बीच में लेके आए ये इसमें कहाँ से आ गई तकलीफ? तो मैं बोलूँ जवाब? हाँ बोलिए ना आप। हाँ बोल रहा हूँ, अभी तक आप कहते थे तकलीफ सिर के है और चारों इमाम में से होगा तो एक हक से होगा, तीन चारों हफ्ते कैसे होंगे? चारों ने हदीस में से मसले निकाले, अगर गलती भी हुई तो नेकी दी जाएगी कि नहीं? तो आप यही क्यों कहते हैं कि चारों में से तो उनको नेकी मिलेगी ना, उनके मानने वाले जो अंधे मुकल्लिद बने बैठे हुए हैं जिनको पता है कि चूक हो गई है, उनको भी मतलब भाई वो मिलेगी नेकी। बारे चूक हो गई तो आप ये कोई आलिम होगा जो मेरे भाई कुरान हदीस को ज्यादा समझता है, अगर वो मेरे भाई को कोई मतलब बात होती है, मसला होता है, उसको आकस करता है, अगर भाई वो अच्छी बात पे पहुंच जाता है, सही बात पे पहुंच जाता है, तो उसको उसको मिलती है दो नेकी, और अगर उससे कोई चूक हो जाती है तो उसको मिलती है एक नेकी। तो ये तो आलिमों का काम हो गया ना, उनके जो मानने वाले मुकल्लिद हैं उनको तो अजाब पड़ेगा ना कि इमाम से चूक हो गई है तब भी तुम उसकी बात को मान रहे हो, अंधे मुकल्लिद बने बैठे हो, तो उसको तो अजाब मिलेगा, सवाब थोड़ी ना मिलेगा। जैसे आपके जुमलों से तो चारों इमाम हद पे होगा, क्योंकि आपने क्या बोला? अरे चारों इमाम हद पे हैं, लेकिन चारों इमाम के जो मानने वाले अंधे मुकल्लिद हैं वो हक पे थोड़ी ना है। नहीं, चारों इमाम हद पे हैं तो फिर उनके मानने वाले हक पर कैसे नहीं हुए? कैसे मानने वाले हक पे हो जाएंगे? आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मतलब भाई ये फतवा है कि जो औरतें हैं, माएं हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी कितने, वो 2.5 साल पिलाएंगी। और अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 233 में कि जो माए हैं वो अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं 2 साल दूध पिलाएं, इमाम साहब कह रहे हैं 2.5 साल दूध पिलाएं। तो अब हम इमाम साहब का कौन
अरे मेरे भाई पढ़ा करो ना, इसीलिए कहते हैं पहले पूरा इल्म हासिल करो, तो दूसरों में नुक्ता चीनी करते हो, अपना कुछ मालूम नहीं है। अब तुम जने कहाँ भाग रहे हो, जबकि वो इबारत मेरे सामने मौजूद है, तकवतुल ईमान की और साइज। तो आपके सामने मौजूद है, उसी के आगे पढ़ो ना, उसी के आगे भाई, उसी का उसी के आगे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी इंसान है, बशर है, उनको भी मौत आनी है, तो हम उनको सजदा नहीं कर सकते, ये उनका मानना है। अरे इबारत सुनो आप यार, सुनो सुनो, इससे साबित हुआ कि सजदा ना जिंदा को है ना मुर्दा को, ठीक है। अब यह इबारत मुकम्मल हो गई, अब इससे आगे कौन सी इबारत है आप मुझे पढ़ के बताइए। तो आ गया ना जिंदा को, और या तो मतलब जिसका इंतकाल हो जाए उसको सजदा हम कोई को नहीं कर सकते, सजदा सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला को है। तो वो यही तो साबित करना चाह रहे थे कि अल्लाह के नबी को भी मौत आनी है, तो ना उनके जीते जी उनको मतलब हम कर सकते हैं सजदा, और ना ही आपके जाने के बाद आपको सजदा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा का जायज होता तो मैं औरतों से कहता कि जो अपने शौहर हैं उनको सजदा करो, लेकिन नहीं करना है। सजदे पर बात कौन कर रहा है, ये जुमले नबी के कहाँ है, यानी तो आपने ये कैसे पूछ लिया कि वो काफिर है या मोमिन है, वो काफिर कैसे हो गए आप बताइए ना, कौन सी बुनियाद पे काफिर हो गए। अरे ये काफिर है या मोमिन है वो बात बात में आएगी, तो सवाल तो मेन आपका यही था ना कि जो वो इस्माइल दहलवी है वो काफिर है या मोमिन है, आप मुझे इस इबारत का जवाब दीजिए कि ये। अरे जवाब हम क्यों देंगे, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब हमने आपको दे दिया ना कि वो मोमिन है। आपने ये कयास कैसे करा था कि इस्माइल दहलवी ने ये नहीं लिखा था, ये लिखा था, इसमें तो ये लिखा हुआ ही। अरे तो इसमें आगे आ गया ना कि चाहे मेरे भाई जिंदा हो चाहे आपका इंतकाल हो जाए, सजदा उनको करना ही नहीं है, तो सजदे की बात ही नहीं हो रही ना, मैं तो ही पूछ रहा हूँ ना। तो वो तो सजदे को मेरे पर समझाना चाह रहे थे ना, उनका मकसद भाई, उनका मकसद ये कहा था कि नहीं अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, मर के मिट्टी में मिल गए माजल्ला, ये तो उनका कहने का मकसद ही नहीं था। वो तो समझाना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अल्फाजों के चूज में कुछ मेरे भैया गलत चूज कर लिया। नहीं उन्होंने साफ लिख दिया ना, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में साफ लिख दिया, मतलब वो मेरे भाई एग्जाम्पल दे रहे थे, मिसालन बोल रहे थे कि अल्लाह के नबी को भी एक दिन भाई इंतकाल आना है। मिसाल दे रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है इस इबारत, किसी के आगे लिखा हुआ है ना कि चाहे जिंदा हो चाहे भाई वो मुर्दा हो तो ये सजदा जायज नहीं है, और क्या। अरे यार तुम्हें कुछ आता जाता है, अरे अल्लाह ताला ने दिया है मिसाल ना कुरान में सूरह फातिर की आयत नंबर 22 में कि और जिंदा और जो मुर्दा है वो बराबर एकदम नहीं है, और ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो जो कब्रों में है। तो अब बताओ अल्लाह ने मिसाल दी है, अब क्या अल्लाह को भी आप बोल दोगे माशाल्लाह का। नहीं नहीं, तो आपके हिसाब से थोड़ी ना दीन बन जाएगा भाई, आपके समझ में नहीं आता कोई चीज, उसका मानना ये थोड़ी ना कि वो चीज मतलब गलत हो जाएगी। तुम्हें इबारत का ढंग से दिफा करना नहीं आ रहा है भाई, हम दिफा करते ही नहीं है ना अपने आलिमों का, हम कुरान हदीस का दिफा करते हैं। नहीं नहीं भाई, हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है कि किसी आलिम के कौल का दिफा करेंगे, वो तो जो बात उनकी सही थी वो मैंने आपको बता दी। इसने गुस्ताखी करी तो आपको दिफा कर रहे हैं, कहाँ गुस्ताखी की भाई, उन्होंने अल्फाज मेरे भाई गलत चूज कर लिए, वो मैंने आपसे बता भी दिया कि जो वो समझाना चाह रहे थे वो सही से उसको समझा नहीं पाए। नहीं नहीं गलत बात है आपकी, ये इबारत आप तो आपके आला हजरत वो कहते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा हैं और उनके पास उनकी उनकी जो औरतें हैं बीवियां पेश की जाती हैं, बताइए कौन सी हदीस से साबित है। अब वो काफिर हो गया ना आला हजरत आपका। अच्छा ये इबारत नकल करी हुई जनाब। हाँ तो नकल किए तो अपने उस्ताद की नकल की है ना दलील के तौर पे। अरे भाई जरदानी साहब की जो इबारत है उसको दलील के रूप में भाई ये आपने नकल की है ना, ये इस्माइल दहलवी ने कहाँ से नकल करी ये इबारत, कौन सी इस्माइल दहलवी ने, ये इस्माइल दहलवी ने कहाँ से नकल करी ये इबारत, यानी मेरी एक दिन मरकर मिट्टी मिलने वाला हूँ, ये किससे नकल करी, किसने नकल करी। अगर उन्होंने कहा है कि यानी एक दिन ठीक है मुझे मर के मिट्टी में मिलना है, तो गोया उन्होंने अपने आप को कहा अल्लाह के नबी को नहीं कहा। बोलिए देखिए ये यहाँ यार खुद ही अभी तुम बोल लो कि उन्होंने कहा यानी मुझे मर के मिट्टी में मिलना है, तो मुझे का मानना उनका अपना होगा या वो नबी से मुराद होगा, आप खुद गुस्सा के रसूल साबित हो गए। ये इबारत आप देखिए, आप लोग जो ये काम करते हैं ना कि फोन करके अफू खान को अटका लेंगे, ऑडियो उसकी अपलोड कर देंगे, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने बरेलियों के फोन आते हैं, सबको लपेट लपेट के इंशाल्लाह देता हूँ। भागने का रास्ता बहुत अच्छा ढूंढ रहे हो आप, सुनिए इधर मैं भागने का रास्ता मिट्टी में मिलने वाला हूँ, सुनिए
तो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास आपकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप शब्बाशी फरमाते हैं, भाई इसका जरा हदीस हमको बता दो जरा, ये कौन सी हदीस उन्होंने लिया है? फराए जरकानी से नकल है ना? हाँ, तो जरकानी साहब उनके उस्ताद है ना, शेख मोहतरम है ना, उन्होंने दलील के लिए उनका कॉल लिया है ना, ये साबित करने के लिए कि जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जिंदा थे वैसे कब्र में, यानी कि सेम टू सेम, यानी कि दुनिया की और जो कब्र की जिंदगी है बिल्कुल सेम है, तो इसको साबित करने के लिए इसको लेके आए, तो हमको हदीस दिखाइए, रहमतुल्लाह अलैह पे फतवा लगाओ ना, बोलो जल्दी। हाँ, तो लगा तो दिया ना कि मेरे भैया वो जो हैं, वो जो ये बात को लेके आए, ये अल्लाह के नबी की शान में तौहीन है, तो वो कौन? और नबी के ऊपर झूठ है। अगर ये सच है तो मेरे भाई हदीस आपको देना है ना भाई, इबारत आप, हेलो, आप लेके आए हो तो आप साबित करोगे ना दलील, क्या हुआ बोलो ना भैया, सुन गया क्या? हाँ, आवाज अब नहीं आ रही होगी, फोन काट के भागोगे? नहीं, अब्दुल बाकी जरकानी रहमतुल्लाह आपके नजदीक मोमिन है कि नहीं ये बताइए आप। मेरे नजदीक मेरे भैया उन्होंने जो ये बात को लेके आए हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा हैं और आपके पास आपकी बीवियां पेश की जाती हैं, शब्बाशी करते हैं, ये बात बिल्कुल झूठ है, अल्लाह के नबी की शान में तौहीन है, गुस्ताखी है, तो मेरे नजदीक तो भाई वो अहले सुन्नत नहीं है। ये गुस्ताखी करने वाला कौन है नबी की शान में? आला हजरत हो गए ना आपके, आला हजरत से बड़ा अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अरे जनाब, जनाब आला हजरत ने इबारत नकल करी है तो अब्दुल बाकी जरकानी क्यों नकल की है मेरे भाई? झूठी बातें नकल कर लेंगे क्या? उनके पास अकल नहीं थी क्या? अरे आप ये बताइए, पूरी तहकीक करके मेरे भाई नकल करनी चाहिए थी ना। आपके नजदीक वो कौन है ये बताइए ना, अब बताओ ना मेरे भाई। नहीं, गुस्ताखी करिए तो आपके नजदीक गुस्ताखी करने वाला कौन है आप ये बताइए? तो बता तो दिया, अहले सुन्नत से बाहर है। अहले सुन्नत से बाहर है तो इस्लाम से बाहर है कि नहीं ये बताओ आप? नहीं, इस्लाम से बाहर मेरे भैया ये नहीं, मतलब धक्के धक्के पे नहीं होता है। नहीं, गुस्ताखी करने वाला क्या मोमिन है क्या? तो उन्होंने कोई मेरे भाई इतनी बड़ी तौहीन थोड़ी ना कर दी, उन्होंने तो अपनी अक्ल से सोचा कि हाँ ये दीनी मसला होगा। बिल्कुल, तो छोटी सी तौहीन करने वाला इस्लाम में से खारिज नहीं होगा ऐसा? और क्या, इस्लाम से खारिज होने की कंडीशन है जो खुला हुआ, जो मेरे भाई साहबा को गालियां दे, अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करे, उनकी जात में तौहीन करे, एक अल्लाह के साथ मेरे भाई उसमें तौहीन करे, वो होता है मेरे भैया खुला हुआ तौहीन करने वाला, उसको इस्लाम से बाहर मानते हैं। ये जरकानी साहब से तो हम खुद कहते हैं कि उनसे इल्मी चूक हो गई, अकल की कमी थी उनके पास, और उन्होंने जाने अनजाने में अल्लाह के नबी की शान में तौहीन कर दी। अच्छा, हाँ, अनजाने में तौहीन किए इसलिए वो पहले सुन्नत से बाहर है, अगर जान बुझ के तौहीन करते तो इस्लाम से बाहर हो जाते। नहीं नहीं, ठीक है, और फिर ये इसने जो तौहीन करी इस्माइल देलवी ने तो ये बच गया। अगर तौहीन किए तो आप मेरे भाई सबूत दो ना, दलील दो, हाथ तो बुरा नुमता दी। अरे साफ तो दलील दे दी कि फिर आपने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। हाँ, तो मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ ना, तो उन्होंने अपने आप को कहा ना। फिर आपने फरमाया, जनाब आपने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, आपने फरमाया नबी का मतलब नबी की इबारत नकल कर रहा है वो। तकवातुल ईमान उठा के देखो पहले, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है भाई? अभी आप इतनी देर से कह रहे थे कि ये उन्होंने कहा, अब आप कह रहे हैं कि हदीस में कहा, आप खुद ही कंफ्यूज हो मेरे भाई। मैं शुरू से कह रहा हूँ, कितना पलट के मैं शुरू से कह रहा हूँ भाई, आप ही की बात नहीं सही है। आपने कहीं का मेरे भाई आधा अधूरा स्कैन देख लिया होगा, या तो पोस्ट आपने देख ली होगी, किताब आपके पास तो मौजूद है। मेरे कहने तो कसम खुदा की किताब मौजूद है हाथ में है। तो किताब मौजूद है तो पूरा स्टार्टिंग से आखिर तक पूरा पढ़ो। चलो चलो ठीक है, पलटना मत है ना आप, और गुस्ताखी करी है तो बोल देना। अच्छा, राइटर कौन है उसका? जी एक मिनट। हाँ, उसका सबसे पहले जो मतलब जो पेज है उस पेज को खोलो, और कौन इसका राइटर है, कहाँ से मतलब ये छापी गई है, सब पढ़ के बताओ। अभी देखो झूठों को कैसे पहुंचाते हैं उसके घर तक। सुनो, ये किताब तो छपी है मकतबे थानवी देवबंद, ठीक है? अच्छा, थानवी देवबंद, ठीक। अब बोल दो कि देवबंद का तर्जुमा नहीं मानेंगे हम। बोल दो तो देवबंद का तर्जुमा नहीं मानेंगे, बोल दो। हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई, बरेलवी देवबंदी तो होते हैं मक्का रहे, उनका क्यों मानेंगे? तो फिर आपके कहने का तकवतुल ईमान है, अभी आप वो निकालिए। नहीं, हम तो इसे पढ़ते ही नहीं है ना, हमारे वहाँ तो कुरान हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा हम लोग को इन सब किताबों का काम ही नहीं है ना मेरे भाई। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्ने माजा, मौत्ता इमाम मालिक, हाकिम, इब्ने बज्जार, मुस्नद अहमद, हम लोग के पास ज्यादा अच्छा। किताबें हैं भाई, हम इनको पढ़ते अच्छा, हैं। हम ये आलिमों के जो कॉल है, अकवाल है, वो मेरे भाई उन्होंने अपना लिखे हैं, वो आलिमों के लिए है। हम लोग आवाम है, हम लोग को अल्लाह और अल्लाह के नबी चाहिए। अच्छा तो अब क्या करूं, नहीं पढ़ूं फिर ये इबारत, ये देवबंद के वहाँ की छपी हुई है। तो देवबंद वालों को कोई को फोन कीजिए ना, देवबंदी को, मतलब भाई आप क्या इतनी देर से टाइम पास कर रहे हैं, मतलब देवबंदी के मसले मसाइल लेके आप उसको बदनाम करने लगते हैं। इस्माइल एलवी साहब आपके पेशवा है ना, इसलिए फोन करा था मैं। वो हमारे पेशवा नहीं है मेरे भाई, बास लोग कहते हैं कि आप वो देवबंदी थे, बास लोग कहते हैं अहले हदीस थे, लेकिन तब भी तब भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, उन्होंने जो भी कहा उन्होंने ये साबित करने के लिए कहा कि अल्लाह के नबी का भी इंतकाल होना है। उन्होंने अल्फाज का जो चूज था उसमें गलती कर दी कि अल्लाह के नबी को भी एक दिन मौत आनी है, मर के मिट्टी में मिलना है, ये जो अल्फाज है इसमें उनसे चूक हो गई, गलती हो गई, और हम इसको मेरे भाई मानते हैं गलत। हम गलत को गलत मानते हैं, हम कोई उसका दिफा नहीं करते। तो ठीक है सर, ठीक है, लेकिन आप तो मानिए कि आपके आला हजरत ने अल्लाह की शान